युवा मेडी के कातिलों की तलाश में राजस्थान की पुलिस अलग अलग राज्यों और शहरों की खाक छान रही है, लेकिन सवाल अब भी हत्याकांड की प्लानिंग पर। इस बीच गोगा मेडी की पत्नी सपना सोनी ने सुखदेव सिंह की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। गोगा मेडी की हत्या के बाद उनकी जिंदगी को लेकर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। जैसे वो अपने समाज के लिए काम करने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, वहीं अब उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि उनकी एक नहीं बल्कि तीन पत्नियां हैं। शीला शेखावत के बारे में तो सभी जानते हैं, जो अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई। लेकिन खुद को सुखदेव सिंह की तीसरी पत्नी बताने वाली सपना सोनी ने खुलासा किया है कि हत्या वाले दिन वो गोगा मेडी के साथ घर में मौजूद थी और शूटर्स उनके सामने ही मिलने आए थे। वो कभी वेटिंग हॉल में मिलते नहीं थे, वो अंदर रूम में ही मिलते थे, पर्सनल रूम में, सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जैसे 2 महीने पहले ही और कुछ साल पहले भी उनको बोल दिया था कि उनकी हत्या हो सकती है। जहाँ से उनकी साजिशें रच रही थी, वो जेल से ही रची जा रही थी साजिशें। हालांकि सपना सोनी ने गोगा मेडी पर गोली चलते हुए नहीं देखी, लेकिन गोलियों की आवाज जरूर सुनी, जिसको सुनकर वो दौड़कर वेटिंग हॉल में पहुंची, मगर तब तक शूटर्स फरार हो चुके थे। इतना ही नहीं, सपना सोनी ने गोगा मेडी की हत्या के बाद समाज और परिवार के अंदर हो रही राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही बोल दिया था, मेरे पति ने, सुखदेव सिंह जी ने, कि जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन मेरे ऊपर राजनीति होगी, मेरे घर वाले भी राजनीति करेंगे, उन्होंने तो ये तक बोल रखा था। तो आज ये बात सच हो गई, उनके घर वाले भी राजनीति कर रहे हैं खुद, और उनके समाज के कुछ लोग हैं, कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं बोलती मैं, कुछ लोगों ने राजनीति की है।